हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये है पार्ट टू मेरे हॉल वीडियो का, बिकॉज पार्ट वन हमारे लिए कम पड़ चुका था, मतलब मैंने इतना पैसा फूंक दिया है। बट कमिंग ऑन टू द अदर बेसिस, स्टार्ट करते हैं। ओके, सो फर्स्ट स्टार्टिंग, जो मैंने स्वॉचेस खरीदे थे पिछले वीडियोज में, मैं उसका आपको एक रिव्यू दे दूँ कि कैसा है। सो जो हमने फॉरएवर न्यू की लिपस्टिक्स मंगवाई थी, दैट वॉज माई फर्स्ट पैकेज, अगर आपने मेरी वीडियो देखी है, एंड दैट फॉर माई वैनिटी, तो उसमें ये रिजल्ट आया है कि ऑनेस्टली मैट हो चुकी है एंड दे आर ट्रांसफर प्रूफ, कहीं बज नहीं हो रही है। यू कैन सी, अगर मैं करूँ तो हल्का हल्का है, बट बाकी इट्स अ गुड थिंग। एंड स्पेशली ये वाली थी हमारी केप ब्यूटी की एम्ब्रेस शेड, एंड आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड, बिकॉज एक्चुअली मैं थोड़ा तेज करूँ तब भी कहीं नहीं जा रहा है, देर इज नो यू नो लाइक बजिंग और समथिंग, यू कैन सी। सो दिस इज अ गुड थिंग। सो इफ यू वॉन्ट इन्वेस्ट इन अ नाइस लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक, यू ऑब्वियसली द फर्स्ट प्रेफरेंस इज के ब्यूटी की, एंड अगर के ब्यूटी नहीं, सो यू कैन ऑल्सो ट्राई द Forever 52 की हमारी शो स्टॉपर लिपस्टिक्स, उसमें काफ़ी शेड्स अवेलेबल है। मैंने रेड ऑब्सेशन, विच वॉज द ऑब्सेशन शेड जो उसका नाम है, एंड अदर साइड इज ब्राउन गैल, वो मैंने दो शेड्स ऑर्डर करे हैं। एंड जो मेरा के ब्यूटी का था वो था एम्ब्रेस शेड, दैट्स अ मैट लिपस्टिक, तो आप ट्राई कर सकते हो। एंड इवन के ब्यूटी का जो मैंने लिप लाइनर ट्राई करा था वो भी कहीं बच नहीं हो रहा है, तो के ब्यूटी के प्रोडक्ट्स अभी तक ले हिट है, स्पेशली द लिप प्रोडक्ट्स। बाकी तो जो मैंने परचेज करे थे वो हम बाद में देखेंगे। सो नाउ लेट्स गो, एंड जहां हमने छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं। सो लेट्स गेट इनटू द अनदर पार्ट्स। चलो थोड़े तो कम हुए हैं हमारे, अब तो करते हैं, अब ये वाला करते हैं। सो इसकी भी एक स्टोरी है, सारे यू नो मेरी शॉपिंग की एकदम स्टोरी होती है। सो आई वेंट टू एम्बियंस मॉल प्रोमेनाड, सॉरी, एंड वहाँ पे मैंने कुछ शॉपिंग की थी, तो ये सारा जो मैंने शॉपिंग करी है ये लग्जरियस प्रोडक्ट्स है, लग्जरी प्रोडक्ट्स है। एंड क्या कहते हैं, ये ऑन द स्पॉट था, मतलब मैंने कर तो लिया, बट मेरे को जब बिल आया ना तब मेरे को एक मिनी हार्ट अटैक आ गया था, बट आई वॉन्टेड टू बाई दीज प्रोडक्ट्स। सो लेट्स सी इसमें क्या क्या है। अच्छा, इसका दो प्रोडक्ट्स थे मैंने मैक के बाय करे, मैक के मैंने एक्चुअली तीन प्रोडक्ट्स बाय करे, बिकॉज उस पर ऑफर थी बाय टू गेट वन फ्री। सो एक प्रोडक्ट था मैंने आई गेस मैट लिपस्टिक बाय करी है, रेट्रो मैट लिपस्टिक इन द शेड बर्न स्पाइस, हाँ आई गेस बॉन स्पाइस। एंड मैंने एक मैक का लिप लाइनर ऑर्डर मतलब परचेज करा था, एंड दैट वॉज वोल, एंड उसके साथ मेरे को ये फ्री प्रोडक्ट मिला था, दैट वॉज द जो मैंने लिया है, मिला क्या था, दिस इज देयर द मैक का हाईलाइटर, दिस वन, एंड दिस इज सॉफ्ट एंड जेंटल, एंड ऑब्वियसली इस प्रोडक्ट को कोई इंट्रोडक्शन नहीं चाहिए, यू कैन सी, ओ माई गॉड, वाई मैंने ये पहले क्यों नहीं खरीदा, आई डोंट नो वाई, बट दिस इज ग्रेट, दिस इज वेरी गुड शेड, मतलब इन जनरल अगर आप देखो ना ये काफ़ी अच्छा शेड है, एंड अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हो यू नीड टू हैव दिस, मतलब आई एम प्लानिंग ऑन मेकिंग वन वीडियो, टेल मी कि मैं बनाऊँ ना बनाऊँ, दैट फ्यू प्रोडक्ट्स जो आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी शुड बी, बिकॉज बहुत लोग ना द मैनी मेकअप आर्टिस्ट, द मैनी यू नो पीपल, बहुत लोग हैं जो भी स्टार्ट कर रहे हैं एंड दे डोंट हैव एनी क्लू कि हम स्टार्ट कहाँ से करें, क्या किस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करें, बिकॉज इतनी बड़ी मार्केट है, इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं कि हम क्या बाय करें। सो आई थिंक देर आर सम स्टेपल्स जो हर चाहे बड़े से बड़ा मेकअप आर्टिस्ट हो या कोई भी हो, उनके पास वो प्रोडक्ट होगा ही होगा, एंड मैंने बहुतों के देखे हैं कि जैसे दिस इज़ वन ऑफ द प्रोडक्ट, जैसे मैक का हाईलाइटर था, दिस इज़ वन प्रोडक्ट जो आपको हर किसी मेकअप आर्टिस्ट की वैनिटी में दिखेगा ही दिखेगा। सो ऐसे और भी बहुत प्रोडक्ट्स हैं, इफ़ यू वॉन्ट me to share those products, so do let me know, आप comment down करना या मुझे DM करना मेरे Instagram पे, my Instagram handle is Paridhi Bakshi official, and if you want that video, so I'll definitely make it for you, and I'll share some products जो you know एक staple है एक makeup artist की vanity में। So now coming on, the other product is Charlotte Tilbury, I wanted to own a Charlotte Tilbury product from such a long time, and मैंने इनका एयर ब्रश फ्लॉलेस फिनिश माइक्रो पाउडर करा है, लाइक खरीदा है। सो मतलब यू नो समटाइम्स बाइंग सच प्रोडक्ट यू नो एक्चुअली आपको ही खुश लगता है, लाइक इट्स लाइक अ रिवॉर्ड फॉर यू दैट नाउ लाइक यू केपेबल ऑफ बाइंग सच प्रोडक्ट्स। एंड वन थिंग इज, चाहे प्रोडक्ट महंगा है,
ओके हमेशा ये याद रखना होता है कि हर कोई जो महंगा प्रोडक्ट होता है वो ज़रूरी नहीं अच्छा हो एंड वो आपके पे यू नो वो प्रोडक्ट आपकी स्किन पे या आपके लिए काम करे। बट कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं कि चाहे वो महंगे हो बट दे आर वर्थ एवरी पेनी। तो दिस इज़ आई गेस वन ऑफ देम एंड यू कैन सी मतलब अच्छा खासा पैन साइज देयर एंड दिस इज़ लाइक अ रिफिलेबल। तो आपको इसका पैन निकाल के आप दूसरा पैन लगा सकते हो विच इज़ अ गुड थिंग। दिस इज़ दैट एंड मैंने ये शेड लिया है मीडियम द सेकेंड नंबर एंड आई विल बी बाइंग नंबर वन ऑल्सो वेरी सून आई होप सो। सो दिस इज दैट। नाउ कमिंग ऑन आई बॉट एस्टी लॉडर की प्रोडक्ट। एस्टी लॉडर में आई बॉट द डे वेयर एंटी ऑक्सीडेंट 72 हाइड्रेशन सॉबिट क्रीम। सो दिस इज एक्चुअली अ मॉइस्चराइजर एंड दिस वॉज रिकमेंडेड टू मी बाय द सेल्स पर्सन हिमसेल्फ बिकॉज आई वॉन्टेड समथिंग फॉर माई ब्राइड्स ताकि आई वॉन्टेड मतलब वो लाइट वेट भी हो, इट्स नॉट हैवी ऑन द स्किन एंड बट इट्स हाइड्रेटिंग, इट्स लाइक सुपर हाइड्रेटिंग। वाई बिकॉज विंटर्स है तो ऑब्वियसली एंड आई वॉन्ट यू नो कि स्किन प्रेप इज वन ऑफ द बेस्ट इज वन थिंग जिसमें आपको काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए एंड जब आप ब्राइट्स के लिए करो तब तो और अच्छी बिकॉज यू वॉन्ट कि सारी स्किन टाइप को सूट करे, कोई रिएक्शन ना हो यू नो क्लाइंट को कोई रिएक्शन ना हो जाए एंड स्किन जितनी हाइड्रेटिंग रहेगी ऑब्वियसली उतनी पैचीनेस नहीं रहेगी आपके मेकअप पर। सो दिस इज़ वन थिंग। सो वैन आई ट्राइड दिस प्रोडक्ट मैं ऑब्वियसली इम्ब्रोलॉइसिस यूज़ कर रही थी एंड हाँ आई वॉज यूजिंग दैट एंड प्लूम की आई गेस विच इज प्रॉश ब्यूटी नाउ, तो मैं उनकी क्रीम यूज़ कर रही थी बट आई वॉन्ट टू ट्राई समथिंग लग्जरी नाउ बिकॉज आई वॉन्ट दैट आई वॉन्ट टू अपग्रेड माई वैनिटी फर्स्टली एंड आई वॉन्ट टू गिव दैट एक्सपीरियंस टू माई क्लाइंट्स कि उनका मेकअप और अच्छा और लास्ट यू नो लॉन्ग लास्टिंग रहे। सो आई बॉट दिस एंड वैन आई ट्राइड इट इज एक्चुअली वेरी हाइड्रेटिंग एंड आई ट्राइड इट ऑन माई हैंड्स स्टोर पे एंड द अदर टाइम वैन मतलब जब अगले दिन मैं उठी माई स्किन वॉज स्टिल वेरी बेबी सॉफ्ट एंड आई वॉज लाइक ओके मैंने ये परचेज अच्छा करा बिकॉज द फर्स्ट वीक में ना पता चल जाता है कि स्किन हाइड्रेटिंग रहेगी या नहीं रहेगी। ऑल्सो मैंने शार्लेट टिलबरी की भी क्रीम एंड सीरम करा था टेस्ट, फर्स्ट इंप्रेशन इट वॉज गुड बट आई वॉन्टेड टू गिव इट अ ट्राई सो आई हैव ऑर्डर दैट ऑल्सो। वो जब आएगा आई विल मेक अ वीडियो, आई विल ट्राई टू मेक अ शॉर्ट और अ रील सो आई विल अपलोड इट और अ फर्स्ट इंप्रेशन टाइप ऑफ अ वीडियो बट आई विल ट्राई दैट ऑल्सो बिकॉज दैट्स ऑन अ लिटिल एक्सपेंसिव साइड लाइक इट्स फॉर 6,000 एंड 7,000 ऐसे करके। सीरम की बड़ी बॉटल दैट्स फॉर 11,000-12,000 तो इतना बड़ा तो आई कॉन्ट इन्वेस्ट बट हाँ आई विल बी इन्वेस्टिंग इन दैट ऑल्सो एंड आई विल ट्राई बिकॉज आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ गुड रिव्यूज you know about the Charlotte Tilbury one. So the next is obviously this product also I had to buy and isko product ko koi introduction ki zarurat hai nahi. This is the Estee Lauder Advanced Night Serum, the ANR and isme pata nahi kya hai guys 11 or 7 kuch aise serums hai matlab jo aapko matlab jo matlab alag alag serums lagane ke bajaye aap ye ek bottle mein invest kar lo, that's more than enough. So yeah, आई लव यू नो स्मेलिंग द प्रोडक्ट बिकॉज आई लव फ्रेगरेंसेज। तो अगर थोड़ा सा फ्रेगरेंस हो जाए ना एक प्रोडक्ट में मेरा तो उसी टाइम उस प्रोडक्ट पर दिल आ जाता है। सो इसलिए आई स्मेल प्रोडक्ट बट दिस प्रोडक्ट नीड्स नो इंट्रोडक्शन एंड ये तो हर कोई मतलब मैंने आज तक कभी नहीं देखा होगा किसी भी एक बंदे को इस प्रोडक्ट के बारे में कोई ऐसा बोलने के लिए कि उनके स्किन के ऊपर काम नहीं करी या ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। सो इस पर तो कोई हमारा यू नो चांस आता ही नहीं है कि हम क्यों ना खरीदें। एंड द लास्ट प्रोडक्ट इज द एस्टी लॉडर का डब सॉरी आई विल बैक ओके आई एम बैक एंड द लास्ट प्रोडक्ट जिस पर मैंने छोड़ा था वॉज द एस्टी लॉडर का डबल वेयर फाउंडेशन एंड दिस इज इन द शेड 2W2 रतन एंड दिस कंटेन्स SPF 10 इन इट। आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक दिस शेड विल सूट माई स्किन मतलब हाँ दिस विल सूट माई स्किन मतलब मैंने बहुत ट्राई करा था एंड इट्स वेरी लाइट वेट एंड इट हैज़ अ नाइस कवरेज एंड मतलब अगर अभी मैं आई वॉज यूजिंग जैसे हुडा ब्यूटी एंड क्या कहते हैं नार्ज के फाउंडेशन ऑन माई ब्राइड्स बट आई वॉन्टेड टू गिव यू नो न्यू ब्रांड्स अ ट्राई जैसे फेंटी है
आई गेस एस्टेल ऑर्डर हो गया आपका, शार्लेट ओलबरी है, तो मेरे को इन सब सारे ब्रांड्स को भी ट्राई करने हैं बिकॉज आई वॉन्ट टू अपग्रेड माई वैनिटी. आई एम सेइंग इट अगेन एंड अगेन बट बिकॉज आई जेन्युइनली वॉन्ट टू डू इट एंड दैट इज फॉर माई ब्राइड्स एंड फॉर माई क्लाइंट्स. सो दैट्स वेयर ओके. सो ये हमारा बैग खाली हो गया, ठीक है, एंड दैट्स इट. नाउ कमिंग ऑन टू द अनदर, पता है वीडियो बनाने के बाद मैं ही थक गई थी पार्सल खोलते खोलते ऑनेस्टली. चलो पहले ये लक्स का पैकेट ही खोल लेते हैं. मैं ना जनरली आपको अभी ये पूरी वीडियो कंप्लीट करने के बाद मैं आसपास का दिखाऊंगी मेरी आसपास की हालत कैसी हो चुकी है. ओके सो इसमें क्या है, ये क्या है? अच्छा ओके सो दिस इज अ हेयर ऑयल. सो लेट मी टेल यू, हेयर ऑयल इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू मस्ट यूज अ नाइस हेयर ऑयल. सी अगर आप कोई चीज़ को ढंग से यूज़ करो ना, मतलब हर चीज़ के फायदे नुकसान होते हैं. अगर आप उसको ढंग से यूज़ करोगे तो उसके फायदे हैं, अगर आप उसको गलत तरीके से या ओवर यू नो करके यूज़ करोगे तो उसके ऑब्वियसली नुकसान है. बट उसके साथ मुझे मिला है टॉम फोर्ड का ब्लैक ऑर्चिड का एक मिनी सैम्पल. दिस इज फ्री, मतलब आपको पता है आई लव फ्रेग्रेंसेज एंड मुझे नहीं पता है मुझे क्यों भेज रहे हैं, अगर मुझे भेजा मुझे पसंद आ गई देन आई विल बाय इट. ओके मेरा एक और खर्चा बन गया है बिकॉज आई लव द फ्रेग्रेंस. दिस इज द टॉम फोर्ड ब्लैक ऑर्चिड. ओ माय गॉड एंड आई एम श्योरली बाइंग दिस. करो मेरे खर्चे करो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. विल टेक इट इन अ गुड वे कि हम उतनी मेहनत करेंगे ताकि हम अपने शौक पूरे कर सकें. सो मतलब ठीक है, अब मेरे को ना वो बात सच लगती है, मतलब वो मीम्स में आई थी कि रईसों वाले शौक लेके एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हो गए. बट आई एम लाइक कि अगर शौक बड़े हैं तो मेहनत भी फिर उतनी ही करनी पड़ेगी ताकि हम वो शौक पूरे कर सकें. और एक टाइम के बाद ना वो चीज़ मतलब हमारे लिए इतनी मेहनत करनी है कि वो चीज़ हमारे लिए एकदम एक्सेसिबल हो जाएगी. अच्छा यार ये तो छोटी सी चीज़ है कि उस चीज़ को लेने से पहले ना हमें दो बार सोचना ना पड़े. सो या एंड दिस इज द ऑब्वियसली वेरी फेमस फेबल एंड मीन का हेयर ऑयल एंड दिस इज फॉर स्ट्रॉन्गर हेयर बिगेंस विद हेल्दी रूट्स एंड ऑयल. ओके 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 सो या सो दिस इज दैट यू कैन सी फेबल एंड मीन. सो अब आई हैव एन आइडिया, मतलब मैंने दो आइडियाज़ आपको दे दिए. एक तो मेकअप वीडियो बनाने के लिए जो आई बी मेकिंग फॉर द मस्ट हैव्स फॉर द मेकअप आर्टिस्ट. सेकेंडली हेयर ग्रेम स्ट्रॉन्ग करने के लिए बिकॉज आई टेल यू दैट ऑल्सो एंड दैट आई टेल यू अनदर वीडियो बिकॉज ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी फिर एंड आई डोंट वॉन्ट दैट. चाहे हम पार्ट टू बना रहे हैं, मुझे इसका पार्ट थ्री नहीं बनाना है वरना आप लोग भी बोर हो जाओगे और आप मेरे चैनल पर दोबारा आओगे नहीं मेरी वीडियोज़ देखने. ओके अब दूसरा पार्सल खोल लिया है. अगेन दिस इज फ्रॉम द ऑर्डिनरी. हाँ नाउ दिस इज द ऑर्डिनरी हेयर केयर. दिस इज द मल्टी पेप्टाइड सीरम फ्रॉम हेयर डेंसिटी एंड दिस इज वन ऑफ द हेयर सीरम जो एक्चुअली वर्क करता है एंड आई हैव ऑलरेडी यूज्ड टू बॉटल्स ऑफ इट. दिस इज माय थर्ड बाय एंड ट्रस्ट मी दिस एक्चुअली हेल्प्स, दिस एक्चुअली वर्क्स. एंड इफ यू डोंट नो हाउ टू यूज इट डू लेट मी नो, आई विल मेक अ वीडियो फॉर दैट ऑल्सो एंड आई विल टेल यू हाउ टू यूज दिस. बट दिस एक्चुअली वर्क्स अगर आप ढंग से यूज करो. मैंने खुद अपनी हेयर डेंसिटी को इंक्रीज होते हुए देखा है, मतलब देखा क्या है, फेल्ट इट एंड आई हैव सीन द चेंजेस इन माई हेयर. सो या दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बाइज एंड ऑब्वियसली इसके साथ फिर से एक प्रोडक्ट फ्री मिल रहा था. इट वॉज लाइक एन अमाउंट, इस अमाउंट के ऊपर अगर आप ऑर्डिनरी से शॉप करो ना तो आपको फ्री मिल रहा है. तो लास्ट टाइम मैंने मेकअप रिमूवर फ्री ले लिया था, तो इस टाइम मैंने मॉइस्चराइजर फ्री ले लिया कि दोनों में से एक ही चीज चूज कर सकते थे. तो मेकअप रिमूवर मेरे पास हो ही गया, क्लेंजर हो गया, तो मैंने मॉइस्चराइजर को चूज करा इस बार एंड या दैट्स दैट. इसके तो मैं फर्स्ट इंप्रेशन बना लूंगी. ऑर्डिनरी ब्रांड इज वन ब्रांड यू नो, अभी तक पता चल गया होगा, इसको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत है नहीं एंड आई लव दिस ब्रांड, आई ट्रस्ट दिस ब्रांड अलॉट. सो दैट्स वाई नाउ कमिंग ऑन टू द अदर पार्सल. ओके दीज आर सम रैंडम बाय, ऑब्वियसली ये थोड़े रैंडम बाय हो गए. ओके मेरे को एक और फ्री पैलेट मिली नायका से फोर की, ठीक है. एंड एज आई टोल्ड मैंने लिप लाइनर भी ऑर्डर कर रखा है. दिस इज हेड ओवर हील्स, अगेन लिपस्टोन लाइन नायका से ही है एंड द टोन इज सेम, इट्स लाइक न्यूड ब्राउन ओनली.
नहीं ओके सॉरी दिस इज रेड, मतलब पैकेजिंग पे अलग दिख रहा था बट दिस इज रेड. आई वॉन्टेड रेड लिप लाइनर बिकॉज मुझे रेड लिप्स करने थे एंड मेरे को रेड लिप्स विदाउट रेड लाइनर लिप लाइनर तो होंगे नहीं ना. सर बंद कर दो यार. तो आवाज बंद होगी फाइनली. अच्छा ये वो मच्छर मारने वाली दवाई, धुआं दिख गया मुझे इसलिए. ओके सो नाउ द नेक्स्ट थिंग्स आई बॉट इज दिस नाइका की ऑल डे मैट लिप, क्या कहते हैं, लिक्विड लिपस्टिक्स, बिकॉज ये काफी अफोर्डेबल है एंड आई गेस आई नीड टू बाय समथिंग. आई एम मेकिंग एक्चुअली वीडियो जिसमें मुझे एक अफोर्डेबल ऑप्शन चाहिए फॉर ऑल द पीपल कि अगर आप लिपस्टिक बाय करना चाहते हो इन द अफोर्डेबल रेंज तो आप ये ब्रांड्स की ट्राई कर सकते हो. सो दिस वॉज वन ऑफ द लिपस्टिक्स जो मेरी यू नो प्राइस रेंज को कवर अप कर रहे थे एंड आई वॉन्टेड टू गिव इट अ ट्राई वेदर यू नो दिस इज जेन्युइनली गुड और नॉट. सो एक ना ये बड़ा मुश्किल होता है पैकेजिंग खोलना. Okay, so the payoff is very nice and this I guess I bought for 230 or 240 rupees. उसके हिसाब से इसका payoff जो है वो काफ़ी अच्छा है, color pigmentation everything and I just want to try whether कि अब ये matte रहेगा या नहीं रहेगा because this the you know the name of the lipstick itself says all day matte. तो मतलब this should be long lasting as well. So this is in this shade, this is, what is the shade name, this is the shade super mom. ये ना पिक्चर्स में कुछ और दिख रहा था, ये थोड़ा ऑरेंजिश टोन में क्यों आ रहा है, आई डोंट नो बिकॉज आई डोंट अप्लाई ऑरेंज टोन ऑनेस्टली. अगर ये ऑरेंज टोन आया तो दिस इज लाइक मनी डाउन द ड्रेन बट आई यूज इट एनी हाउ. आई सी बट लेट सी कि ये मैट है या नहीं है. सो दीज आर द टू शेड्स इसके. सो विल सी. सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट कम्स इज फ्रॉम दिस ब्रांड कॉल्ड गश. ये इसकी ना पैकेजिंग बहुत क्यूट है एंड आई वॉन्ट टू ट्राई दिस वाई बिकॉज एक दो प्रोडक्ट्स इसके काफ़ी अच्छे सुने हैं मैंने, मतलब रिव्यू देखे थे. सो इसकी एक ऑफर चल रही थी, मतलब ये ब्लैक फ्राइडे सेल चलेगा काइंड ऑफ, पता नहीं इनकी ब्लैक फ्राइडे सेल वही हुआ शायद से. इसमें था दैट यू कैन मेक योर ओन कॉम्बो इन रुपीज 1499 ऐसे करके था, बाय योर ओन बॉक्स और समथिंग ऐसी कुछ था. तो मैंने खरीदा एंड ये चार प्रोडक्ट्स आए हैं उसमें. आई विल शो यू क्या क्या है. एक है इसमें स्क्विशी ब्लश, ओके आई लव द नेम. इसकी पैकेजिंग अच्छी है, मैंने बताया ना वो बहुत क्यूट है. सो दैट्स व्हाई ये ऐसी पैकेजिंग है, मतलब जी एक्चुअली ऐसे आप स्क्वीश करोगे इसको. आई डोंट नो कैन यू हियर द साइज. ये है एंड दिस इज इन द शेड, व्हाट इज द शेड नेम, लैवेंडर हेज एंड दिस इज एक्चुअली 12 आवर वेटलेस फील इन्फ्यूज विद लॉन्ग लास्टिंग कलर पिगमेंट्स. इट्स बिल्डेबल, इट्स पोर्टेबल एक्चुअली, सो दैट्स अ गुड थिंग. एंड और कुछ बताना चाहिए नहीं. द बेस्ट पार्ट इज दैट इट्स अ वीगन प्रोडक्ट, सो इट्स अ वीगन ब्रांड, दैट्स व्हाई. नाउ द अदर थिंग इज प्ले टिंक्स. ओके आई लव ब्लश एज यू नो, तो आई वॉन्टेड टू ट्राई समथिंग एंड जो मुझे चीज़ें इसमें से लेनी थी ना वो आधी सी चीज़ें आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी थी जब तक मुझे डील के बारे में पता चला. तो जो अवेलेबल था मैंने उसमें से ही बाय करा. सो दिस लाइक इसकी भी काफ़ी क्यूट सी है, प्लेटेंट्स एज यू कैन सी एंड आई हैव टू ओपन इट लाइक दिस. सो इफ यू ओपन इट यू विल गेट टू शेड्स ऑफ टिंट्स एंड लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी. ओके इट्स वेरी सॉफ्ट, इट्स वेरी क्रीमी एंड यू कैन सी I'm using this orange shade. I'm swatching this orange shade. मतलब if you use it, it's a very good thing for an everyday thing. And the color is actually the payoff is very nice and it's very natural. So I think this is a nice product. बाकी I'll make another video for this.
आई एम प्लानिंग ऑन मेकिंग कुछ प्रोडक्ट्स के फर्स्ट इम्प्रेशन. सो जो मैं अभी आपके सामने स्वॉच और ट्राई नहीं कर पा रही हूँ. ओके सो दिस इज देयर ट्रिपल एक्स लैश ट्रायो. तो इसका कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा है. इसका कॉन्सेप्ट किससे मिलता जुलता है? इसका कॉन्सेप्ट किसी KKW से या किसी से ब्रांड से इसका मिलता जुलता है. लाइक ऐसे मैग्नेटिक. सो आई थिंक इट्स लाइक ऐसे ये मैग्नेटिक ना तीन चीज़ें हैं. यू कैन डू इट लाइक दिस. सी एक साथ रहेंगी. सो दिस इज अ गुड थिंग. तो इसमें है क्या क्या? वन इज देयर ब्राउ सेटर. देन द अदर वन इज ओके. सो दिस इज अ ब्राउ सेटर. दिस इज एक्चुअली फॉर योर आईब्रोज, टू सेट योर आईब्रोज. एंड देन द टू प्रोडक्ट, ये दो मस्कारा है हमारे. वन इज फॉर लेंथनिंग एंड द अदर वन इज फॉर वॉल्यूमनाइजिंग. इफ यू कैन सी, इफ यू कैन सी, तो ये ऐसे है. सो इट्स अ नाइस कॉन्सेप्ट. आपका प्रोडक्ट एक साथ भी रहेगा. लाइक जैसे अगर मेरे को है आईज एंड ब्राउज के प्रोडक्ट्स, तो एक साथ भी रहेंगे. एंड द कलर कॉम्बिनेशन इज ऑल्सो वेरी नाइस एंड द आइडिया इज ऑल्सो वेरी नाइस. प्लस आई थिंक दिस इज एन इंडियन ब्रांड, सो ऑब्वियसली आई विल बी ट्राइंग इट. एंड अगर मुझे अच्छा लगा सो आई विल बी सपोर्टिंग इट. सो एंड द लास्ट प्रोडक्ट इज प्ले पेंट. सो दिस इज एक्चुअली अ लिप प्रोडक्ट. हाँ, दिस इज अ लिप प्रोडक्ट एंड दिस इज अ लिपस्टिक. यू कैन सी ओके, इट्स वेरी वेलवेटी, वेरी सॉफ्ट. एंड अगेन इट्स अ नाइस डार्क ब्राउन शेड, अ नाइस म्यूटेड ब्राउन शेड. अभी तक आपको पता चल गया है. आई एम वेरी अ पर्सन जो मैं ज़्यादा ना ट्राई नहीं करती चीज़ें. लाइक अगर मेरे को कोई खाना है तो मैं ज़्यादा ट्राई नहीं करूँगा. आई एम वेरी पार्टिकुलर कि मुझे यही खाना है एंड आई वॉन्ट दिस. आई एम नॉट मोस्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंटल पर्सन, बट वेन इट कम्स टू मेकअप आई एम एंड स्किन केयर आई एम. सो आई थिंक लेट्स सी ये मैट होती है या नहीं होती है, या ऐसे क्रीम बेस्ड, क्रीमी बेस्ड में है. बट ओके, तो अभी का रिव्यू ये है जो हमने उसकी ट्राई की थी. नायका की जो लिपस्टिक थी मैट ऑल डे, वो ड्राई हो चुकी हैं एंड इट इज़ एक्चुअली ट्रांसफ़र प्रूफ एंड बज प्रूफ. ट्रांसफ़र प्रूफ उतनी नहीं है, थोड़ी सी, थोड़ा सा, बहुत हल्का सा एक यू नो आपका आ रहा है. बट आई डोंट थिंक हम ऐसे ऐसे करेंगे कभी ड्राई होने के बाद. बट इट्स लाइक ये पूरी ड्राई हो चुकी है एंड इट्स नॉट बजिंग. सो जो प्राइस पॉइंट पे हमने दिया है, यू नो लाइक द प्राइस आई एम पेइंग फॉर दैट लिपस्टिक इज़ वेरी नाइस एंड द क्वांटिटी इज़ वेरी नाइस. लाइक इट्स अ वेरी नाइस वन. सो ये है. आई गेस इसका प्राइस ओरिजिनली थोड़ा सेम ही है, मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. बट इट्स लाइक 2.1 ml है इसमें एंड इट विल लास्ट यू अ वेरी लॉन्ग टाइम. ऑनेस्टली लिपस्टिक्स लास्ट फॉर वेरी लॉन्ग टाइम. आधे से ज़्यादा तो लिपस्टिक्स ऐसा होता है कि बाद में फेंकनी पड़ती है बिकॉज वो एक्सपायरी हो जाती है. बट स्टिल नाउ कमिंग, ये क्या है? ओके सो किसी को भी ब्रांड पता है कि कौन सा ब्रांड है और किसका ब्रांड है? एनी वन नोज इट? ओके सो दिस इज एक्चुअली दीपिका पादुकोण स्किन केयर ब्रांड. सो दिस इज एक्चुअली दीपिका पादुकोण्स ब्यूटी ब्रांड. स्टार्टिंग में इसने काफ़ी आई गेस ब्रांड को काफ़ी बैड रिव्यूज मिले थे बिकॉज ऑफ देयर सीरम सनस्क्रीन और सनस्क्रीन. सीरम सनस्क्रीन दैट ऑयल बेस्ड सनस्क्रीन. बट उसके बाद काफ़ी अच्छे रिव्यूज मिले हैं. आई डोंट नो कि उन्होंने क्या करा, मार्केटिंग में चेंज करा या कैसे क्या करा है, बट चेंजेस मिले हैं. आई एम सॉरी जस्ट वन सेकेंड. हाँ बोल. नहीं अभी नहीं कर रहा, मैं वीडियो बना रही हूँ. बोल. कर रही हूँ, 5 मिनट में कर रही हूँ, बस हो गई मेरी वीडियो. ठीक है. सो नाउ लेट्स ओपन दीपिका पादुकोण का ब्रांड का बॉक्स. ओके, इसका था क्या कि कुछ प्रोडक्ट्स आर वेरी अफोर्डेबल, लाइक आई कैन अफोर्ड देम. बट कुछ प्रोडक्ट्स आर आई डोंट थिंक आई विल बी इन्वेस्टिंग दैट मच प्रोडक्ट. एंड फर्स्ट टाइम में इतने महंगे प्रोडक्ट्स बाय करना इज़ ऑब्वियसली नॉट समझदारी. समझदारी की बात नहीं है वो, समझदार बन जाओ थोड़े से. तो द बेस्ट थिंग इज़ कि आई गेस द ब्रांड हैज़ लॉन्च मिनीज, सो दैट इट्स गिविंग देयर कंज्यूमर एन आइडिया कि आप पहले मिनी ट्राई करो. अगर आपको मिनी अच्छा लगता है तो आप बड़ी बॉटल्स में एंड हैवी प्राइसेस में इन्वेस्ट करना. एंड विच इज़ अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट. आई थिंक एवरी वन शुड डू दिस बिफोर बाइंग अ बिग बॉटल एंड इन्वेस्टिंग अ नाइस अमाउंट इन दैट प्रोडक्ट. यू शुड ट्राई द मिनीज कि आपके स्किन पे उस पर काम कर रहा है नहीं कर रहा. तो मैंने इनके ब्रांड से मिनी सेक्शन से सब कुछ ऑर्डर करा, लाइक अ प्रॉपर स्किन केयर रूटीन, लाइक क्लेंजर, टोनर, सीरम, मॉइस्चराइजर एंड एवरीथिंग. सो हियर आर द प्रोडक्ट्स. लेट्स सी क्या क्या है. एंड इसकी तो अभी होगी नहीं,
ओके फर्स्टली द स्मेल जो लाइक बॉक्स ओपन करते ही आई है, इट्स वेरी सूदिंग, इट्स वेरी आयुर्वेदिक टाइप ऑफ एंड वेरी नाइस. सो या नाउ दिस इज देयर. द पैकेजिंग इज वेरी नाइस, वेरी यू नो म्यूटेड शेड, इट्स अ वेरी म्यूटेड कलर एंड क्या कहते हैं, इट्स वेरी एलिगेंट एंड सिंपल. सो आई लव दैट. सो दिस इज देयर अश्वगंधा बाउंस. दिस इज द मॉइस्चराइजर इफ यू आस्क मी. आई नो मतलब कुछ चीज़ों के मुझे नाम पता ही है. एंड ये ऐसी इतनी छोटी सी बॉटल आई है. सो दिस इज देयर बाउंस क्या कहते हैं, देयर मॉइस्चराइजर. तो मैं अभी कुछ ट्राई नहीं करूँगी ऑब्वियसली. आई एम मेक एन अदर सेपरेट वीडियो बिकॉज इसके प्रोडक्ट्स काफ़ी सारे मैंने ऑर्डर कर रखे हैं प्रॉपरली. सो आई एल बी डूइंग द फर्स्ट इंप्रेशन एंड आई एल बी यूजिंग द इंटायर प्रोडक्ट. बट अभी आई एल जस्ट शो यू कि मैंने क्या क्या मंगवाया है. यार आप लोगों को आवाज़ आ रही है? आवाज़ तो आ रही है, मैंने चेक कर लिया है. बट मेरा माइक बंद था. मेरे साथ ये स्टुपिडिटी चीज़ें होती रहती है. मेरे साथ नहीं होगी तो किसके साथ ही होगी. माय गॉड. ओके सो दिस इज देयर टर्मरिक शील्ड. दिस इज अ सनस्क्रीन. दिस इज अ सनस्क्रीन सीरम एक्चुअली विद SPF 40 PA ट्रिपल स्टार प्लस विद टर्मरिक एंड सेरामाइड. सो दिस इज दैट. तो कुछ खोलने का है? हाँ जब क्यों कर लो करेंगे. देन वी हैव ओके ये काफ़ी अच्छी बात बनना है. पता नहीं क्यों क्या है इसमें. This is the Lotus Splash. This is a conditioning cleanser with lotus and something. And this is for all skin types. Then we have is the buckle slip something. This is the illuminating face oil. So this is for normal to dry skin. So why I ordered this is because winters में मेरी skin dry हो ही जाती है. And this is their mini version. तो जब तक winter खत्म होगी तब तक ये भी खत्म हो ही जाएगा. I wanted to try. So this is like this. मतलब packaging ना काफी obviously दीपिका पादुकोण है, पैसे खर्च कर सकती है तो luxurious packaging दी है. And the shade मतलब the colorful चीजें मतलब I love it. मतलब इन्होंने शेड रेंज भी काफ़ी अच्छी रखी है प्रोडक्ट्स की. सो दिस इज एक्चुअली फॉर रिपेयर एंड रिन्यू. आई गेस दिस इज द लास्ट प्रोडक्ट. देन दिस इज देयर दिस इज द टोनर. दिस इज द गोटूकोला ड्यू रिवाइटलाइजिंग टोनर सीरम. सो दिस हैज गोटूकोला एंड नायसिनामाइड एंड दिस इज अगेन फॉर ऑल स्किन टाइप्स. So I have 1, 2, 3, 4, 5 products and this is from their brand. So we'll do another video for that. Stay tuned for that. मतलब मैंने आपको अपनी अपकमिंग वीडियोज अभी से ही बता दी है कि क्या क्या आने वाली है. सो जस्ट मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल, यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, यू फॉलो मी ऑन कहाँ करोगे और यहीं पर सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन जो बेल है वो ऑन कर लेना ताकि आपको पता रहे कि मैं कब क्या वीडियो पोस्ट कर रही हूँ. Okay, now we have last two parcels अभी के लिए and thank God हो गए. So this is obviously again इस पर लिखा ही है कि ये क्राइलॉन से है. So आप ये समझ गए हो कि ये मेरे वैनिटी के लिए प्रोडक्ट होने वाला है and this is a makeup product. So इसका है क्या, this is a setting spray. I know that because ये मैंने अपनी वैनिटी के लिए करा है. So इसका स्प्रे ऐसा मैंने देखा था रिव्यू, बहुत लोगों ने ट्रेस्ट रील भी डाली थी दैट कि इससे ना मेकअप बिल्कुल बज ऑफ नहीं होता. मतलब इट स्टेज फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ये भाई ये क्यों डालना है, ये क्यों डालना है, सारी जगह गंदा कर रहा है. मत डालो यार, कुछ और दे दो. ये देख और हुए, ये देख ना ये, और ये सारे ना कोई पुराने से कागज है जो कुछ फाड़ फूड के इन्होंने श्रेडर में डाल के सारा इससे. ओ माय गॉड, पूरा इन्होंने डब्बा ही इससे भरा हुआ है और मेरा रूम पूरा भर जाएगा इससे. पूरा डब्बा इसी से ही भरा और उसमें से सिर्फ ये प्रोडक्ट के लिए इतना बड़ा एक तो डब्बा दिया. ये देखना ऊपर से इतना उसमें ये भरा हुआ है, क्या कहते हैं, कागज़ सारे कागज़ मेरे पे फैल चुके हैं. सो ओके दिस इज देयर फिक्सर स्प्रे एज यू कैन सी. सो आई विल बी मेकिंग अ वीडियो फॉर दिस वन एंड आई विल शो यू कि वेदर एक्चुअल में उतना हाइप्ड अप है या नहीं. मैंने इसका अगेन सबसे छोटा साइज ऑर्डर करा बिकॉज आई वॉन्ट टू ट्राई इट. अगर ये अच्छा निकला तो ऑब्वियसली आई एम ऑर्डरिंग अ बिगर वर्जन ऑफ इट.
एंड द लास्ट पार्सल इज दिस। तो ये ना एक ब्रांड है जो मैंने ऐसे ही यू नो इंस्टाग्राम पे हम जब स्क्रॉल करते हैं तो हमारी स्टोरीज में यू नो एड्स आ जाते हैं उन ब्रांड्स के बारे में। तो ये उस ब्रांड के लिए, दिस इज अ क्लोथिंग ब्रांड से आई हैव ऑर्डर्ड। दिस इज एक्चुअली क्या कहते हैं स्वेटशर्ट हुडी, थोड़ा हुडी। तो मुझे उस पर तो काफ़ी अच्छी लगी लाइक द मॉडल वाला पे। तो आई हैव ऑर्डर्ड दिस। Look, it's a very oversized one, and this is like it's really cover here. पीछे को ऐसे blakey or something, and this is the quality is very actually nice. It's very heavy. It's very warm. Yeah, it's very warm, and this is Dope Chic brand है, and this costed this MRP is pay 4000 है, but I paid like 50% off something, so this I got it for 2200 ऐसी कुछ है। एंड अभी तक तो मुझे अच्छी लग रही है। इट्स ओवरसाइज एंड ऑल एवरीथिंग एंड इट्स वेरी वॉर्म। आई कैन सी मतलब क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, पहले टच में ही पता चल रहा है। बट आई विल स्टाइल इट एंड आई विल शो यू। एंड बस अब मैं थक गई हूँ। थैंक यू। सो दिस इज नाउ फाइनली एंड ऑफ आर हॉल वीडियो एंड आई होप यू एंजॉय द। उससे पहले ना मैं आपको एक बार आसपास का नज़ारा दिखाती हूँ। वेट, आप मेरे आसपास का ना नज़ारा देख सकते हो। ये हालत हो रखी है मेरे आसपास की, ठीक है। दैट्स माय मतलब वो छोड़ दो, बट दैट्स माय हैंड, यू कैन सी, एंड दैट्स ऑल द थिंग। एंड अगर मेरी मम्मा ने ऐसे देख लिया, किसी की भी मम्मा ने देख लिया ना, बहुत डांट पड़ेगी, बहुत डांट। सो दैट्स इट, मेरा हालत भी देख लिया। अब मुझे कमरा साफ करना है इस वीडियो के बाद। बट आई होप यू एंजॉय दिस होल वीडियो। मैंने सारे स्वॉच वगैरह भी आपके लिए करे, एंड कुछ के हमने फर्स्ट इंप्रेशन देने हैं, कुछ हमने बातें करी, कुछ मैंने आपको वीडियोस बताई या ऑन द स्पॉट आइडियाज आए जो मैं हम आगे बनाएंगे। एंड आई होप यू एंजॉयड इट, एंड इफ यू डिड गिव दिस वीडियो अ थम्स अप, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। यू कैन एक्चुअली कमेंट और यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम कि आपको और क्या वीडियोज देखनी है, and I'll try to come again with such videos. And yeah, I hope you enjoyed this video. I'm saying it again, I'm so sorry, but yeah, I'll see you next time. So tab tak ke liye like this video, subscribe to my channel, hit that bell button and follow me on Instagram, and I'll see you next time. Bye bye.